हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हो आप? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और धनतेरस का ख़रीदारी कर रहे होंगे अपने अपने घर। और वीडियो दिवाली के बाद मैंने एडिट किया है, क्योंकि दिवाली में इतना काम था ना कि मैं एडिट ही नहीं कर पा रही थी। तो पहले जो वीडियो गई थी वो आधा ही गई थी धनतेरस का दिन का, और ये पूरा वीडियो आज जा रहा है। तो अभी मैंने मॉल से वही सिर्फ झाड़ू लिया है और कुछ कपड़े लिए हैं, चादर वगैरह मुझे बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे मिल गया था। तो फिर मैं वहाँ से सिर्फ वही लेके घर आ गई थी, और इतना भीड़ वहाँ था। मैंने सोचा था कि मैं बहुत कुछ सूट करूँगी, पर मैं कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था, फ़ोन गिरने का डर था। फिर आ गई थी मैं लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेने के लिए, जो मैंने हाथ में लिया है वही मूर्ति मैंने खरीदा है इस बार। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने मार्केट कर लिया है, धनतेरस पर क्या क्या लाई हूँ वो देखिए। वो मैंने जो बास्केट वाला पोछा लगाने वाला नहीं आता है, मोप वाला, वो मैंने लिया है। और लोकल मार्केट से ही मैंने सारी शॉपिंग की है, मैं ऑनलाइन कुछ भी नहीं मंगाई हूँ। और दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जग मैंने लिया आज बर्तन के तौर पे, ये देखिए। और ये मुझे 320 रुपये का पड़ा। यहाँ पर देखिए इसका MRP यहाँ पर लिखा हुआ है, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए 320 का मुझे पड़ा, क्योंकि जग जो था ना वो ख़राब हो गया था। तो आज बर्तन में मैंने यही ख़रीदा है, और चल रही हूँ जल्दी जल्दी से पूजा कर लेती हूँ। आज धनतेरस का मूर्ति वगैरह सब लेके आई हूँ, जो प्रसाद वगैरह चढ़ता है। और मैंने कुशन कवर लिया है, एक बेडशीट ली है। आप यकीन नहीं मानोगे मुझे बेडशीट कितने की पड़ी, बहुत ही सस्ती बेडशीट मुझे पड़ी है। और चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ बैक कैमरे से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो चादर है ना मुझे 99 की पड़ी है, और मैंने तो तुरंत ही ले लिया जैसे मैंने देखा। और बहुत खूबसूरत इसका कॉटन है, प्योर कॉटन है। और ये देखिए बहुत खूबसूरत है, कितना खूबसूरत बेडशीट लग रहा है। और मैंने ये कुशन कवर लिया है, और ये सारे कुशन कवर ना मुझे 59 के पड़े हैं, और बहुत सॉफ्ट है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा था, अब लग रहा है कि घर में यहाँ दिवाली आई है। तो मैं जल्दी जल्दी से सारा सेट कर दी थी ना। हाँ ठीक है, ये देखिए कितना सॉफ्ट है। तो मैं जल्दी जल्दी से सब कुछ सेट कर दी थी ना, कि क्योंकि दिखाती ना तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता, और इसीलिए मैं लगा के डायरेक्ट आप लोग को दिखा रही हूँ। और किचन के लिए मैंने आग लिया है, डब्बा लिया है, क्योंकि जो पुराना डब्बा था ना वो सारा मेरा ख़राब हो गया था। तो ये देखिए आज जो है ना मेगा मार्ट में बहुत ज़्यादा छूट था, बहुत ज़्यादा छूट था। पैसे होते तो मैं बहुत सारे सामान खरीदती ही, पर अभी फ़िलहाल ये हस्बैंड ने लिया था, वो बोले कि डब्बा ख़राब हो गया डब्बा ले लो। तो ये मैंने तीन तीन का पेयर था, तो मैंने 9 डब्बे लिए हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स। और ये स्टैंड तो आप लोग ने देखा ही है, ये मैंने करवा चौथ के एक दिन पहले लिया था। तो अभी चलती हूँ जल्दी से, धनतेरस की तैयारी कर लेती हूँ, धनतेरस की शाम की पूजा की तैयारी कर लेती हूँ जल्दी से। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ पूजा की तैयारी करने के लिए। जैसे कि अभी तोरण वोरण बना लूँगी ना, उसे मैं लगा दूँगी, फिर पूजा करूँगी। और अभी शाम के मतलब 5:30 होने वाले हैं, तो ये मैं गेट के लिए तोरण बना रही हूँ। एक अशोक का पत्ता है और एक जो है आम का पत्ता है, तो यही सब का तोरण बनाती हूँ। हर साल ऐसा नहीं बनाती हूँ, बट इस साल मेरे पास समय इतना नहीं था और भागा दौड़ी भी ज़्यादा हो गया था, तो इसीलिए मैं ऐसे बनाती हूँ। फिर इसे मैं गेट पे टांग देती हूँ दोनों साइड में, और लक्ष्मी गणेश का जो ये लोहे का प्रतिमा है ना, इस पर मैं फ्लावर लगा दूँगी। और ये मैं दिखा रही हूँ शुभ लाभ का स्टिकर मैं लाई थी, वो लगा देती हूँ। और यहाँ देखिए इन्हें गेंदे के फूल से मैं फ्लावर जो है वो पहना देती हूँ लक्ष्मी गणेश जी को। और कुछ रंगोली बना लेती हूँ, थोड़ा सा ही रंगोली बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी क्योंकि दिवाली पे बनाऊँगी और अभी टाइम नहीं था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से कर रही थी। और रुपेश जो है ना वो रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो पूरा आपको दिखा रहा था कि कैसा दिख रहा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो टूल्स हैं ना रंगोली के, ये मैंने लोकल मार्केट से लिया है, और ऑनलाइन ये सारे टूल्स बहुत महंगे आ रहे थे। लोकल मार्केट में तो मुझे ये 10 का पड़ा था, जो जाली का डब्बा था, और ये जो कोन बनाने वाला था ना ये 15 का मुझे पड़ा था। और ये देखिए फ्रेंड्स, अगल बगल जो मैंने दिखाया वो छवि रंगोली बनाई थी। तो अभी बाहर का जो है सब तैयारी मैंने कर लिया है, और अब आ गई हूँ मैं मंदिर के पास पूजा करने के लिए। तो हमारे यहाँ जितना भी हम सामान लिए रहते हैं धनतेरस के दिन ना, उन सब का हम पूजा करते हैं। और धनतेरस के दिन सिर्फ कुबेर जी का हम पूजा करते हैं, जैसा कि
लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लाते हैं पर उनको आज के दिन नहीं पूजते हैं, और गौरी गणेश बनाते हैं उनका पूजा करते हैं, और कुबेर जी का पूजा करते हैं। और फिर जितना भी मतलब जैसे कि झाड़ू हो गया, झाड़ू तो ज़रूर लेना चाहिए आज के दिन धनतेरस के दिन, काफ़ी झाड़ू मार्केट में बिक रहा था। तो अभी देखिए मंदिर भी मैंने अच्छे से लगा दिया है, फ्लावर थोड़ा थोड़ा ही मतलब लगाया है, मंदिर वैसे ही बहुत खूबसूरत है मेरा, तो कोई डेकोरेट करने का ज़रूरत नहीं है इसमें। और अभी मैं जग पे रोली बांध दूँगी, और झाड़ू पे मैंने बांध दिया है, और ये जो मैं बकेट लाई हूँ ना वो पोछा लगाने वाला, तो इसके मैं रॉड पे ही बांध दूँगी, क्योंकि बकेट पे नहीं बांधी, बकेट पे ही मुझे बांधना चाहिए था पर मैं बकेट पे नहीं बांधी हूँ। छवि और रुपेश जी मेरे साथ ही हैं, और छवि मेरे साथ पूजा कर रही है, बगल में बैठी हुई है, और रुपेश जो है वो सूट कर रहा है। तो अभी मैं आरती कर लेती हूँ, पूजा हो गई है, फिर आरती करने के बाद मैं सीधे किचन में जाऊँगी। तो फ्रेंड्स अभी पूजा कर लिया है, और छवि देखिए पिल्लो से खेल रही है, इसे ना ये वाला पिल्लो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और सच में ये पिल्लो बहुत ही अच्छा है, इतना सॉफ्ट है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये पिल्लो। तो अभी देखिए और आज मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि 3 बजे मैं मार्केट निकली थी, क्योंकि लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति मैं खरीद नहीं पाई थी। तो 3 बजे मैं मार्केट निकली, इतना भीड़ मार्केट में था, बहुत ज़्यादा भीड़ था, और मैं 3 बजे गई थी, 5:30 बजे घर आई हूँ, और एक ही दुकान पर पूजा की सामग्री लेने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, बिल्कुल मन नहीं कर रहा बनाने के लिए, पर बनाना है, चलिए जल्दी जल्दी से जो भी बनाना है कर लेती हूँ, और फिर क्या खाते हो जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं अभी सब्जी को कट करने। तो फ्रेंड्स आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी ना, तो आज मैं चावल फ्राई बनाऊंगी, चावल मैंने पहले ही बना लिया था पूजा करने के बाद ही, और अभी फ्राई करने के लिए मैंने तेल को गरम कर लिया है, और ये अदरक लहसुन हरी मिर्च और प्याज मैंने कट किया था उसे ब्राउन होने तक भून लूँगी, फिर इसमें मैंने पानी थोड़ा सा और टमाटर एक साथ डाल दिया है, और मसाले ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करूँगी, बस हल्दी और नमक डाल दूँगी, और फिर ढक के रख दूँगी इसे सॉफ्ट होने के लिए, ताकि टमाटर जो है अच्छे से गल जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स जो चावल है ना वो फ्राई हो गया है, और बस आज चावल फ्राई किया था, और कुछ भी डिनर में मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, फिर कोई वीडियो भी मैं शूट नहीं कर पाई थी, और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है, मैं जो पोछा लाई थी ना उससे मैं पोछा लगा रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोग के साथ भी शेयर कर लिया जाए। तो बहुत ही आसानी से पोछा लग जा रहा था फ्रेंड्स, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बैठ के जो बार बार मतलब बैठने भी दिक्कत हो रही थी ना वो सारा नहीं है, बुरा है, और थोड़ा आराम करने की वजह से खाना पीना खा रही हूँ ना, तो थोड़ी मैं स्वस्थ भी हो गई हूँ, मोटी हो गई हूँ, इसलिए थोड़ा और दिक्कत हो रहा था। अब फिर मैं नहा लेती हूँ और सीधे आ जाती हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए मॉर्निंग की। तो अभी देखिए मेरी पूजा भी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगता है, आप लोग से मैं बार बार कहती हूँ प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करिए मेरे चैनल को, वीडियो अच्छा लगे जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया करिए, आप लोग लाइक नहीं करते हो, बिल्कुल लाइक नहीं आ रहे ना, व्यूज़ आ रहा है कुछ भी नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ फ्रेंड और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो अभी देखिए आज मैं लंच में पालक का साग बना रही हूँ, आलू पालक, आज रुपेश ने डिमांड किया था कि मम्मी पालक का भुजिया ही बनाइएगा आप और गीला वाला नहीं, मैं पालक 2-3 तरीके से बनाती हूँ, पर रुपेश की डिमांड पे आज मैं पालक का भुजिया बनाई हूँ, और अब आटा गूंथ गया है, इसकी मैं रोटी सेक लेती हूँ। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स हस्बैंड जो है ना वो झंडा हम लोग नवरात्र में ही टांगने वाले थे पर नहीं टांगे, भूल गए, तो आज के दिन टांग रहे हैं धनतेरस के नेक्स्ट डे, तो अभी हस्बैंड आ गए थे छत पे वही टांग रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक का था, आप सभी को धनतेरस की और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ।